I am Suhaib Liasi, your host. A very good evening to you. हमारी आज की कहानी काफी फिल्मी कहानी है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो इंडिया में सबसे पहला क्राइम शो होस्ट करता था, जिस शो का नाम था इंडियाज मोस्ट वांटेड। ये इस शो का नाम इसी ने रखा था और इस शो का आइडिया भी इसी शख्स का था, लेकिन अपनी वाइफ की हेल्प के साथ जिसने ये शो स्टार्ट किया था। कुछ टाइम के बाद उसकी वाइफ के मर्डर होने के बाद ये शख्स अपनी वाइफ के मर्डर के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड अक्यूज निकला और अरेस्ट भी हुआ। तो गाइज, अगर आपको इस तरह की और भी कहानियां पसंद है जिसके अंदर इंटरनेट का डार्केस्ट और मिस्टीरियस साइड दिखाया जाए, तो इस तरह की कहानियां जिसके अंदर मिस्ट्री, क्राइम और हॉरर का एलिमेंट हो, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। इस चैनल पे हम इसी तरह की कहानियां डिस्कस करते हैं। तो गाइज, बिना ज्यादा डिले किए लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। तो मेरा नाम है शान एंड वेलकम टू द पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी। सन 1989 जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के अंदर दो शख्स मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे थे साथ में, जिसमें लड़के का नाम था सुहैब इलियासी और लड़की का नाम था अंजू सिंह। वो दोनों साथ में कलीग होते हैं, मिलते हैं, वहां पे उन्हें प्यार होता है और वो दोनों शादी करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जैसा कि आप नाम से ही अज्यूम कर सकते हैं, इन दोनों की शादी और वो भी लव मैरिज होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि इन दोनों की फैमिली के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे। इन दोनों का रिलीजन अलग था और उससे भी बड़ी चीज़ कि जो सुहैब इलियासी के फादर थे जमील इलियासी, वो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे। तो एक रिप्यूटेड फैमिली थी और इंडिया के अंदर आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि रिप्यूटेशन ज़्यादा ऊपर माना जाता है। तो इस बीच में इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे। इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद दोनों फैमिली को समझाने की कोशिश की, लेकिन इवेंचुअली वो नहीं माने। तो इन लोगों ने क्या किया कि 1993 में लंदन में भाई रहता था अंजू का, तो अंजू फ्लाई करके लंदन जाती है, उसके पीछे पीछे सुहैब भी लंदन जाता है। और इंडिया में जहां इनकी फैमिली नहीं मानी थी, तो इन्होंने लंदन में जाके इसका एक सॉल्यूशन निकाला और लंदन के अंदर स्पेशल एक्ट के वजह से इनकी शादी हो गई वहां पे। और साथ में वो लोग लंदन के अंदर ही एक अपार्टमेंट लेके साथ में रह रहे थे शादी के बाद। तो कुछ टाइम के बाद इन दोनों की फैमिलीज भी डिफरेंसेस को साइड करके मान जाते हैं कि चलो ठीक है, अब इन दोनों की शादी तो हो ही गई है, अब हम लोग साथ में रह सकते हैं। तो कुछ टाइम के बाद 1994 में सुहैब और अंजू दोनों सुहैब के घर रहने लगते हैं, लेकिन सिर्फ 6 महीने के अंदर ही इन दोनों के बीच काफी आर्ग्यूमेंट होती है। अंजू फिट नहीं हो रही होती सुहैब की फैमिली के साथ, बिकॉज डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट ट्रेडिशंस, अंजू को सूट नहीं करता ये सब। तो अंजू दोबारा अपने भाई के पास लंदन चली जाती है। तो सुहैब दोबारा जाता है लंदन, उसको मना के लेके आता है, प्रॉमिस करता है कि ये चीज़ें अब नहीं होगी। लेकिन वापस आने के बाद लगभग 2 साल तक ये चीज़ें चलती रहती है। इसके बाद वो कनाडा जाती है अपनी सिस्टर के पास, सुहैब फिर वहाँ जाता है, उसको फिर से परसुएट करके मना के लेके आता है कि अब हम लोग सेपरेट रहेंगे फैमिली से। तो 1994 से लेके अगले 2-3 साल यानी लगभग 97 तक ये चीज़ें चलती रहती है। बट 97 में इनकी एक बेटी होती है, 97 के लास्ट में। उसकी बेटी का नाम रखते हैं आलिया इलियासी और अंजू का भी नाम अब अंजू इलियासी था। तो वो लोग मयूर विहार में अपना खुद का एक अपार्टमेंट लेते हैं, उस अपार्टमेंट का नाम था IFS अपार्टमेंट, और वहाँ पे ये लोग साथ में रह रहे होते हैं। अब इनकी जो झगड़े थे वो कुछ कम होते हैं और ये लोग फाइनली अपना दिमाग लगाते हैं उस शो के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो लोग शादी के बाद कुछ टाइम लंदन में रहे थे, तो लंदन में वो लोग एक शो देखते थे दोनों साथ में, और उस शो का नाम था क्राइम स्टॉपर्स। उसके अंदर मोस्ट वांटेड और मोस्ट फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स की स्टोरी दिखाई जाती थी। तो दोनों ही क्योंकि मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट थे, मीडिया से जुड़े हुए थे, तो ये दोनों इस तरह का शो इंडिया में भी लाना चाहते थे। तो फाइनली अब शोएब इस शो पे काम करना स्टार्ट करता है और उस शो का नाम रखा जाता है इंडियाज मोस्ट वांटेड। बताया जाता है कि अपने टाइम पे ये शो काफी सक्सेसफुल था, जी नेटवर्क पे ये शो एयर होता था। 1998 में इस शो का पहला एपिसोड ऑनलाइन हुआ और इस शो में हालांकि पहले अंजू इलियासी एंकरिंग करने वाली थी, लेकिन प्लान में कुछ चेंज हुआ और ये शो, क्योंकि क्राइम के अंदर एक मेल वॉइस थोड़ा सा डोमिनेट करती है और ज्यादा सुनते हैं लोग, तो फाइनली किसी भी रीजन से सुहैब इलियासी ने फाइनली ये पहला शो होस्ट किया।
तो वो लोग अब धीरे धीरे शो काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा था, इसको बहुत अच्छी टीआरपीज हो रही थी, सोहेब इलियासी काफ़ी फेमस होते जा रहे थे पुलिस वालों में, लोगों में, और इस शो की वजह से कई सारे क्रिमिनल भी पकड़े थे पुलिस वालों ने इस शो के हेल्प से। लेकिन कुछ टाइम के बाद 1998 से लेके 2000 तक अब इनके बीच में फिर से झगड़े होने स्टार्ट हो गए थे। इस बार झगड़े की जो वजह थी वो बदल गई थी। अब झगड़े की वजह थी एक शख्स जिसका नाम था नरेंद्र। नरेंद्र बताया जाता है कि सोहेब का काफी करीबी था, कोई कहता है दोस्त था, और कोई यहाँ तक कहता है कि उससे भी बढ़ के था। अंजू उस उन दोनों के रिश्ते से या फिर इन दोनों के कनेक्शन से ज्यादा पसंद नहीं करती थी इस चीज को, और इसके बीच में उन दोनों के बीच में काफी झगड़े होते थे इस वजह से। और कई बार उसने फोन पे नरेंद्र को इनडायरेक्टली धमकाया भी था कि मेरे हस्बैंड से दूर रहो। और जब ये बात जब भी सोहेब को ये पता चलती थी तो वो इस बात पे दोबारा आर्ग्यूमेंट करता था कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरा एक फैन है, एक मेरा एडमायरर है। तो ये सब होते होते आ गया था सन 2000, एक नई सदी आ गई थी, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ भी चीजें बदली नहीं थी। इस टाइम पे आलिया थी लगभग 2.5 साल की। तो ये टाइम था 10 जनवरी 2000 जिस टाइम की ये वारदात है। तो उस टाइम पे अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो क्योंकि ये क्राइम शो सोहेब इलियासी होस्ट करता था तो उसके बहुत सारे फैन थे, लेकिन उसके साथ साथ कई सारे क्रिमिनल से सोहेब को धमकियां भी मिलती थी। तो उसके प्रोटेक्शन में दिल्ली पुलिस से जब इन्होंने हेल्प मांगी तो उन्हें दो कांस्टेबल दिए गए थे जिनका नाम था शत्रुघ्न और केपी सिंह। तो अगर हम शत्रुघ्न की माने तो क्योंकि रात काफी हो गई थी, 10 बजे से ज्यादा का टाइम था, तो शत्रुघ्न और केपी सिंह दोनों अब सोने जाने वाले थे, तो वो ब्लैंकेट्स लेने गए थे उनकी वाइफ के पास। इन दोनों को ब्लैंकेट दिए अंजू इलियासी ने, ये दोनों पार्किंग की तरफ जा रहे थे। तभी शत्रुघ्न बताते हैं कि वहां पे उनके जो दो पर्सनल बार्बर थे सोहेब इलियासी के, हालांकि सोहेब इलियासी, अंजू और आलिया तीनों ही घर पे थे, और काफी टाइम से इन दोनों के बीच, अंजू इलियासी और सोहेब इलियासी के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे इंग्लिश में। तो जब ये दोनों बार्बर आते हैं तो शत्रुघ्न ने बोला कि मैंने पूछा था कि ये कौन सा टाइम है बाल काटने का, तो उन्होंने बोला कि इनको कल सर को शो पे जाना है तो उस शो के लिए इनको रेडी रहना है, इसलिए इतनी रात को हमें बुलाया है। और उन दोनों जो बार्बर थे उनके नाम थे फजलुर रहमान और अमीरुद्दीन। तो शत्रुघ्न बाहर ही होता है क्योंकि अभी तक वो लोग सोए नहीं थे, तो वो अपनी ड्यूटी दे रहे थे शत्रुघ्न और केपी सिंह। तो शत्रुघ्न ने देखा कि थोड़े टाइम के बाद 20 मिनट के बाद बिना बाल काटे ये दोनों बार्बर बाहर आ रहे थे। तो शत्रुघ्न ने पूछा कि क्या तुमने बाल नहीं काटे, तो उसने बोला कि मैं बाल काटने के लिए बार्बर का क्लॉथ उनके गले में टाई अप करके बाल काटने ही वाला था, लेकिन इसी बीच उन दोनों के बीच में अंजू और सोहेब सर के बीच में काफी बहस हो रही थी इंग्लिश में। तो सोहेब सर ने मुझे बोला कि अभी आप लोग जाओ, कल आप लोग सीधा मेरे नोएडा वाले ऑफिस आना, मैं वहीं बाल कटवा लूंगा। तो ये लोग चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद बहुत जोरों की चीख सुनाई देती है शत्रुघ्न और केपी सिंह को, आलिया की। तो ये लोग भाग के सीढ़ियां चढ़ के उस फ्लोर के अंदर जाते हैं। तो वहां पे वो लोग देखते हैं आलिया और सोहेब इलियासी, ये दोनों सामने खड़े हैं, और वहां पे फर्श पे खून से लहूलुहान अंजू लेटी हुई है, और उसे देख के पता चल रहा है कि एक बहुत बड़ी बुचर नाइफ, कसाई का जो एक छुरा होता है बहुत बड़ा किचन का, उससे जैसे कि अंजू को स्टैब किया गया है और बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। फटाफट उनको अंजू को लेके ये सारे लोग नर्सिंग होम की तरफ भागते हैं, जो भी क्लोजेस्ट नर्सिंग होम था मयूर विहार में, लेकिन नर्सिंग होम वाले बताते हैं कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। सो दे ऑल रश टू हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल दैट नाइट, और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन अगले ही दिन 11 जनवरी 2000 को अंजू इलियासी डेड क्लियर की जाती है उसी वुंड के वजह से। और इसी बीच रिपोर्ट्स की माने तो जब सोहेब इलियासी से इस चीज के बारे में पूछा गया था कि उस रात को तुम्हारे बीच हुआ क्या था, तो उसने बोला था कि हमारे बीच आर्ग्यूमेंट तो होती रहती थी, लेकिन उस रात आर्ग्यूमेंट कुछ ज्यादा बढ़ गई थी, और अंजू जो अक्सर शॉर्ट टेम्पर्ड माइंड, ये चीज उसके अंजू के पेरेंट्स भी मानते हैं कि वो काफी शॉर्ट टेम्पर्ड थी, इस वजह से वो बहुत जल्दी फैसले लेती थी, जैसे कि कभी लंदन चले जाना या फिर कभी कनाडा अपनी सिस्टर के पास चले जाना। तो सोहेब ने बोला कि आर्ग्यूमेंट हो रही थी, हम लोग ड्राइंग रूम में, हम सब लोग बात कर रहे थे, आलिया भी वहीं पे थी। थोड़ी देर के बाद अंजू अंदर से किचन से एक बुचर नाइफ हाथ में लेती है, और जितनी देर में मैं कुछ रिएक्ट करता इतनी देर में वो अपने पेट में दो बार खुद ही वो चाकू स्टैब करती है। सोहेब का कहना था कि जिस टाइम पे वो चाकू अपने बॉडी में स्टैब करती, उससे पहले मैंने बहुत बड़े हाथ जोड़े,
और बोला कि चलो अब हम आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी तुम कहोगी वो मैं करूँगा। लेकिन अंजू उस टाइम कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी और वो डिसाइड कर चुकी थी कि उसको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सुहेब इलियासी। तो इस बीच मैं आपको अब पोस्टमार्टम की तरफ जो बात हुई थी वो बताना चाहूंगा। बताया जाता है कि अंजू इलियासी का पोस्टमार्टम दो बार किया गया था, ये जो इंसिडेंट था उसका रीजन कंफर्म करने के लिए। तीन डॉक्टरों ने ये पोस्टमार्टम किया था, जिसमें से दो डॉक्टरों का कहना था कि ये सुसाइड है, लेकिन एक डॉक्टर का कहना था कि ये मर्डर भी हो सकता है। और सबके अपने लॉजिक है। जो दो डॉक्टर थे जिन्होंने बताया था कि ये सुसाइड है, वो इसलिए उनका कहना था कि जब कोई सुसाइड करता है, पहली चीज तो ये कि कोई सुसाइड इस तरह से नहीं करता, कोई जहर खाता है या फिर हैंग करता है, लेकिन अगर कोई अपने पेट में चाकू मारेगा तो वो नीचे की तरफ अटैक करेगा, नीचे की तरफ वुंड होगा, चाकू का जो डायरेक्शन होगा वो थोड़ा सा नीचे होगा। और वही था, और बताया जाता है कि दो बार चाकू मारा गया था। जो पहला कट था जिसको पोस्टमार्टम के डॉक्टर ने बोला था हेजिटेशनल कट, यानी कि आपने पहली बार चाकू मारा तो आप प्रोफेशनल नहीं हो तो आपको नहीं पता कैसे मारना है। तो उसके बाद जब उसने देखा कि पहला कट ज्यादा अंदर नहीं था, वो सिर्फ 2.5 इंच का कट था, तो अंजू ने दूसरा कट मारा और वो था 4 इंच का। अब इस कट के अंदर मजे की बात यह है कि जो तीनों डॉक्टर हैं वो एक चीज को मानते हैं कि उनको ये नहीं पता कि पहला कट था 2.5 इंच का या पहला कट था 4 इंच का, लेकिन इसके अंदर उनके बीच में असहमति है। जो दो डॉक्टर थे उनका कहना है कि पहला हेजिटेशनल कट था 2.5 इंच का और दूसरा था 4 इंच का, लेकिन दूसरे डॉक्टर का कहना है अगर पहला 4 इंच का कट है तो इसका मतलब ये उन्होंने खुद नहीं किया, ये मर्डर ने किया है, क्योंकि पहली बार उन्होंने अपने आप को चाकू मारा, वो थोड़ा सा लगा कि गहरा नहीं है, अब उन्होंने दोबारा मारा कंफर्म करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया पहले कि तीन डॉक्टरों में से एक डॉक्टर की राय एकदम अलग, जिस डॉक्टर ने ये बोला कि ये मर्डर भी हो सकता है, उनका कहना है कि कोई अपना मर्डर खुद चाकू से नहीं करता, अपना सुसाइड कोई या तो जहर खाएगा या पंखे से लटकेगा। और अगर कोई अपने आप को अटैक कर रहा है तो चाहे कितना भी हिम्मत वाला आदमी हो, जब उसको लगता है कि वो मरने वाला है तो वो बचने की कोशिश करता है, वो अपने आप को दूसरा अटैक नहीं करता। कोर्ट में दोनों ही ओपिनियन सुने गए और दोनों में ही अपने अपने लॉजिक है। खैर, अभी तक सुहेब इलियासी 2 महीने तक अरेस्ट नहीं था, हालांकि बहुत सारी बातें चल रही थी। सुहेब इलियासी का शो उसके हाथ से चला गया था, अब वो शो कोई और कर रहा था। सुहेब इलियासी ने जी नेटवर्क को छोड़ के डीडी की तरफ एक नया शो बनाने की कोशिश की थी जिसका नाम था फ्यूजिटिव इंडियाज मोस्ट वांटेड, लेकिन वो शो भी ज्यादा चला नहीं क्योंकि वो इस गिरफ्त में थे अब पूरे लूप में, और इस लूप में वो अगले 20 साल के लिए फंसने वाले थे। लेकिन इस बीच एक चीज जो काफी अलग लगी थी पुलिस वालों को और बाकी सब लोगों को, कि जो अंजू की फैमिली थी वो थोड़ा सा सपोर्टिव थे सुहेब की तरफ। उनका मानना था कि सुहेब काफी सुलझा हुआ लड़का है और काफी मैच्योर है, वाइल दो जो अंजू है वो थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड थी और एंग्री के अंदर इंपल्सिव बिहेवियर या इंपल्सिव स्टेप उठाती थी अक्सर। तो अभी तक इनकी तरफ से कोई इल्जाम नहीं था सुहेब पे। लेकिन 2 महीने के बाद जो अंजू की सिस्टर थी जो कनाडा रहती थी, रश्मि सिंह, वो इंडिया आती है। वो दिल्ली पुलिस को FIR लिखवाती है कि अंजू को सुहेब इलियासी अक्सर दहेज के लिए मारता था। वो दहेज की धारा लगवाती है और साथ में सुसाइड के लिए उकसाने की धारा लगवाती है। तो फाइनली 2 महीने के बाद 28 मार्च 2000 को सुहेब इलियासी को अरेस्ट किया जाता है पहली बार अंजू के मर्डर के लिए, उसके दहेज उत्पीड़न के लिए और अदर डोमेस्टिक वायलेंसेस के लिए। और साथ में रश्मि सिंह अंजू की जो डायरी होती है वो भी हैंड ओवर करती है दिल्ली पुलिस को। लेकिन इसके 2 महीने के बाद सुहेब इलियासी को रिलीज किया जाता है सबूतों के अभाव में। तो बेसिकली अब ये केस एक बड़े लूप में फंस गया था, और 2000 में अरेस्ट होके रिलीज होने के बाद अगले 15-17 साल तक, 2017 तक सुहेब इलियासी बाहर ही था, और उसका हर बार ये कहना था कि मैंने ये मर्डर नहीं किया है, मुझे फ्रेम किया जा रहा है। तो अब इसके अंदर जो है अंजू की फैमिली, स्पेशली उसकी जो सिस्टर थी रश्मि सिंह, वो इस केस को लेके लोअर कोर्ट में जाती है और उसके ऊपर काफी सारे इल्जाम लगते हैं, लेकिन कोर्ट को कोई सबूत नहीं मिलता। तो 2017 में हाई कोर्ट ऑर्डर देती है लोअर कोर्ट को कि इसके अंदर अब धारा 302 भी मेंशन करिए, और ये रिपोर्ट्स में है। और इसी वजह से 20 दिसंबर 2017 को सुहेब इलियासी को पहली बार कन्विक्ट किया जाता है लोअर कोर्ट के अंदर अंजू इलियासी के मर्डर पे। लेकिन अब इसके अंदर और एक जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आया था, अभी तक का जो फाइनल ट्विस्ट था वो ये था कि जिस हाई कोर्ट ने
ऑर्डर दिए कि धारा 302 भी लगाई जाए सुहेब पे। 5 अक्टूबर 2018 ले लगभग एक साल के बाद कन्विक्शन के बाद जो कन्विक किया गया था प्रूफ नहीं हुआ था। इसके एक साल के बाद 5 अक्टूबर 2018 को हाई कोर्ट रिलीज करती है सोएब इलियासी को किसी भी तरह के मर्डर चार्जेस से और आज तक वो बाहर है। गाइस ये इंडिया के बहुत सारे केसेस जैसे कि आरुषि मर्डर केस है या फिर निठारी था, इस तरह के बहुत सारे ऐसी मिस्ट्रीज छोड़ के गया अपने पीछे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि अंजू ने अपने आप को क्यों मारा, और अगर शोएब ने मारा तो इतना कोई आर्ग्यूमेंट था भी नहीं जिसके वजह से वो उसका मर्डर कर। तो मैं चाहूंगा कि आप खुद इस चीज में थोड़ा सा रिसर्च करें, आप दिल्ली पुलिस की या फिर विकिपीडिया पे गूगल पे रिपोर्ट्स पढ़ें। इंटरेस्टिंग केस है, सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि शोएब इलियासी ने जब ये शो स्टार्ट किया था तो वो हीरो बन गया था रातों रात, और सनसनी मचाता था वो जब भी वो शो पे आता था रिप्रेजेंट करने के लिए। और आज अब ये बंदा सनसनी है, मीडिया में भी सनसनी है, लेकिन कुछ अलग वजहों से। तो गाइज आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। इस तरह की और स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और आप अपनी स्टोरी मुझे भेज भी सकते हैं। तो गाइज मेरा नाम है शान, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी। स्टे ट्यून्ड।